ये शब्द मेरे सबसे पहले ये विचार आया था कि तू सुकून है, ये फ्रेज बन पड़ा था। उसके बाद ये फ्रेज अपने आप धुन में तब्दील हो गया। फिर जो भी शब्द मेरे जहन से निकला वो धुन में ही निकला। तो ये तीसरा तरीका होता है, ये वो तरीका होता है जिसमें लिखने वाला और गाने वाला और बनाने वाला एक ही है, आदमी है, खुद ही है, वो वन मैन आर्मी है ना। बाकी दोनों में क्या है, आपको दो से तीन लोग लग रहे हैं, पहले शब्द मिल रहे हैं, फिर आप उसका मूड पकड़ रहे हो, फिर उस पर कुछ धुन बना रहे हो, या किसी ने धुन बना दी उस पर आप कुछ शब्द लिख रहे हो, या खुद ने ही धुन बना दी फिर कुछ शब्द लिख रहे हो। लेकिन ये वो है जो एट अ टाइम पैदा होता है। वो एक एक बात पे रोने लगा था समुंदर, कॉम्पोजिशन पे बात चल रही थी ना, कॉम्पोजिशन कैसे होती है। तो मैंने बताया था कि दो तरीके से होती है, एक तो ये है कि आपके पास लिरिक्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, है ना, और आप कहते हो कि यार इन लिरिक्स को कॉम्पोज करना है, एक तो वो तरीका है। और एक जैसे आपने कोई भी गज़ल उठाई किसी भी फेमस शायर की, या कोई भजन ले लिया किसी भी अच्छे कवि का, या कोई कविता ले ली, ठीक है, या कोई गीत आपको किसी ने लिख के दे दिया, अब मैं आपको टास्क देता हूँ कि कॉम्पोजिट, आप इसकी धुन बनाइए, तो आप क्या करेंगे, उन शब्दों का मीटर पढ़ेंगे सबसे पहले कि मीटर क्या जा रहा है उनका, है ना। जैसे ये पढ़ा कि मेरा मजहब इश्क है और तू ही मेरी बंदगी, तो ये मेरी लिखी हुई लाइन है। इसको आपने, इसका जब मीटर पढ़ा तो आपको मालूम चला ये 14 का मीटर है, तो आपने इसे 14 में कंपोज करना है, चलो ये तय करा सबसे पहले तो कि इसकी रिदम जो जाएगी, ग्रूव जो जाएगी, है ना। उसके बाद आप इसका भाव पकड़ते हैं कि यार इसका भाव क्या जा रहा है ना, कि इसका इमोशन क्या कह रहा है, तो उस हिसाब से उस गाने का मूड तय होगा, और मूड में उसकी ग्रूव तय होती है। लय में भी तो रस होते हैं, सुरों में रस होते हैं, लय में और ताल में भी रस होते हैं, कि आपको किस प्रकार का चाहिए। अब ताल तो चलो वो डिसाइड है, कि मैं ये पहला पैटर्न बता रहा हूँ, पहला तरीका बता रहा हूँ कि शब्द ऑलरेडी आपके पास हैं तो कैसे धुन बनाओगे। सबसे पहले शब्दों को पढ़ के उसका मीटर डिसाइड होगा कि इस ताल में जाएगा ये इसकी 4/4 है, 7/4 है, 6/4 है, जो भी इसका टाइम सिग्नेचर क्या रहेगा, लय या ताल क्या रहेगी। फिर उसको जब आप पढ़ते हो तो उसका मूड मालूम चलता है। अब जैसे ये जो गाना मैंने लिखा था तू सुकून है, तो ये गाना जल्दबाजी का गाना नहीं है, क्योंकि शब्द ही इसके ये हैं कि तू सुकून है। जब भी मैं देखूं वो आंखें तेरी, पलकों में महफूज मासूमियत तेरी, धड़कन की लय कम हो जाती है, हर सांस मध्यम हो जाती है ना, दिल इत्मीनान पा जाता है, और मैं सुकून, मैं इत्मीनान पा जाता हूँ, मुतमइन, जहन मुतमइन हो जाता है, सेटिस्फाइड, जहन मुतमइन हो जाता है, दिल इत्मीनान पा जाता है, क्यों, तू सुकून है मेरा, है ना। इसके आगे के अंतरे में भी यही है कि तुझको जब मैं देखूं, जब मैं तुझे छूं, हथेली को चूमूं, जब तुझे अपने सीने से लगाऊं, तुझे सिमटा के सांसों में पाऊं, तो ये कितनी शांत, सब्र, धैर्य, सुकून की बात हो रही है। और इसकी मूड देखिए कितना लाइट है, हल्का सा, इसमें कोई हैवी नहीं है, कोई हैवी म्यूजिक नहीं है, एकदम लाउड वो संजय लीला भंसाली टाइप म्यूजिक, या आप ये कहें कि अजय अतुल टाइप म्यूजिक, वो हैवीनेस नहीं चाहिए इसमें, बहुत हल्कापन चाहिए। अब देखिए ना वो लुटेरे का जो वो मैंने अभी सॉन्ग बताया ना आपको, संवार लूँ, लाइट है, कितना लाइट है, उसमें कोई हैवी म्यूजिक नहीं है, बहुत कम परक्यूशन इस्तेमाल है, बहुत कम हैवी बैकग्राउंड म्यूजिक का। तो ये मूड, जैसे ही मूड मालूम चलता है, गाने की चाल समझ आ जाती है, कि गाने की चाल अब ये नहीं जाएगी, तू सुकून है, तू सुकून, ये नहीं, जोश नहीं चाहिए इसमें मुझे, है ना, गाना, क्योंकि गाने का मूड क्या कह रहा है, वर्ड्स क्या कह रहे हैं, लाइट मामला है, है ना, सुकून की बात की, शांति की बात की, तो अपने आप उसकी चाल, दिन 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 ता ते ता, है ना, बहुत ऐसे वेस्टर्न परक्यूशन इसमें कुछ लगेंगे, इंडियन रिदम्स इसमें इस्तेमाल नहीं होंगी। तो इस तरह से आप कंपोज करते हैं कि इसमें रिदम कौन सी लगेगी, क्या इंडियन रिदम्स का, यानी इंडियन साउंड्स का इस्तेमाल करना है, या आपको वेस्टर्न का इस्तेमाल करना है, या इंडियन का भी इस्तेमाल करना है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको इसमें इस्तेमाल करके इसको कितना हल्का बनाना है या लाउड बनाना है। अब अगर जय हो ऐसा गाना बनाना है तो उसे इतना हल्का नहीं बना सकते। अब वो शब्दों में ही जय हो की बात की गई, यानी विजय, विक्ट्री, वीर रस, अपने आप शब्दों में जब रस मिल गया तो कॉम्पोजिशन भी वैसी ही जाएगी वीर रस की। तो सबसे पहले रस, भाव और लय और ताल ये निकाले जाते हैं, उसके बाद उसको जब आप सोचते हो, मंथन करते हो, तो खुद ब खुद धुन जो है दिमाग में बनने लगती है, पैदा होने लगती है, है ना। आप एक कोई राग थाट, कोई बेस ले लेते हो, जैसे मैंने ये धा सा रे गा, खैर ये वाला जो गीत का मैं अगर एग्जांपल लूँ तो ये तो गलत एग्जांपल होगा, क्योंकि ये तीसरी कैटेगरी का गीत है, ये वो कैटेगरी है जिसमें धुन और शब्द साथ में बन पड़ते हैं। पहली कैटेगरी होती है जब आपके पास शब्द आ जाते हैं फिर आप धुन बनाते हो, दूसरी कैटेगरी वो होती है जब आप धुन बना लेते हो और उस पर शब्द फिट करते हो,
इंडस्ट्री में दोनों तरीकों का म्यूजिक बनता है और लोग भी दोनों प्रकार का म्यूजिक बनाते हैं कि पहले धुन बना ली कि यार एक ट्यून है मेरे पास, एक हुक है, यार एक ग्रूव है, एक धुन बन गई, एक ट्यून आ गई है, इस पे यार शब्द फिट हो जाए कुछ मस्त से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है ना, जाहिर बात है कि उसका एनालिसिस होता है, बिल्कुल स्क्रिप्ट का एनालिसिस होता है, स्टोरी का एनालिसिस होता है कि स्टोरी क्या कह रही है ना। जैसे मैंने तुम्हें मोहब्बत है कि पूरी जो उसका मैंने वो किया था ना ब्रेकडाउन, उसमें मैंने बताया था कि वो जो नज्म है जो अरिजीत ने गाई है और रहमान साहब की कंपोज्ड है और अतरंगी रे मूवी का है और क्या बोलते हैं इरशाद कामिल की लिखी हुई है, तो वो नज्म मूवी से कैसे कनेक्ट होती है। लोगों को लग रहा है यार ये तो एक रोमांटिक सॉन्ग है तो इतना सैड क्यों साउंड कर रहा है ये, कि इतना और इतना मिस्टीरियस क्यों साउंड कर रहा है ना, कि इसके सुर ऐसे कैसे हैं। तेरी सांसों में झांकने वाला, तेरी बातों में बोलने वाला, बाल रातों में खोलने वाला, जानता हूं मैं वो नहीं कि जिससे तुम्हें मोहब्बत है, तो इतना इतना ये मिस्टीरियस और इतना सैड और इतना माइनर क्यों साउंड कर रहा है ये, ऐसे नोट्स कोमल वाले क्यों हैं। तो ये मैं जो कॉम्पोजिशन का आपको तीन प्रकार बता रहा था कि जिसमें पहले प्रकार में शब्द होते हैं उन पे फिर धुन आप बनाते हो तो वो किस किस मूड से बनेगी, फिर दूसरे प्रकार में धुन बन गई जैसे मैंने बोला ना, एक ट्यून चल रही थी, ग्रूव चल रही थी, जैसे ये धुन प्रीतम साहब ने बना ली पहले ही है ना, अब ये टोन, ये ट्यून बन गई उनकी, एक ग्रूव बनी कि ये चाल रही, अब ये धुन इन्होंने इरशाद कामिल साहब को सुनाई और फिल्म की सिचुएशन बताई कि इस सिचुएशन पे मुझे यार इस धुन में फिट होने वाले कुछ वर्ड्स दो, तो उन्होंने इसमें लिख दिया, तू सफर मेरा, तू ही तो मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा, ए दिल है मुश्किल, तू रूह भी मेरी, है ना, जो भी आगे उन्होंने इसी धुन, पहले धुन बन गई फिर शब्द लिखे गए। और तीसरा तरीका वो होता है जिसमें मेरा ये तू सुकून है वाला गाना है, कि एक थॉट आपके दिमाग में होता है, बेसिकली एक गाना क्या है, एक विचार है, एक थॉट है, अगर वो आपके दिमाग में है उसके ऊपर फिर शब्द और धुन खुद ब खुद आते हैं। तो ये थॉट मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार तू सुकून है, बस इतना सा थॉट आया था कि जब तुझे देखता हूँ, तेरे पास आता हूँ, तुझसे मिलता हूँ, तो कोई रश नहीं होता है, जिसे कहते हैं ना एड्रेनलिन रश होता है जब आप अपने किसी ऐसे से मिलते हो जिसको आप बहुत चाहते हो, है ना, जिससे आप अट्रैक्ट होते हो, आपका फीमेल काउंटर पार्ट है या मेल काउंटर पार्ट है, तो रश होता है बॉडी में। तो मैंने कहा नहीं यार ये वो वाला नहीं है, ये सुकून वाला मामला है कि जब मैं तुमसे मिलता हूँ या तुम्हें देखता हूँ तो शांत हो जाता हूँ, कि जब तुम्हें देखता हूँ तो दिल की धड़कन बढ़ती नहीं है, धड़कन की लय कम हो जाती है और हर सांस मध्यम हो जाती है, तेज नहीं होती। लोगों का होता ना कि यार सांसें चढ़ने लग जाती हैं, वो एक्साइटमेंट, वो नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, शांति है, क्योंकि एकाकार है, ये प्रेम है, ये असल प्रेम है, ये ईश्वर वाला प्रेम है, कि जहां सुकून मिल जाता है, शांति, ये सेटलमेंट हो, ऐसा लगता है मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जब कंप्लीट हो गया, अधूरेपन में बेचैनी होती है और पूरेपन में सुकून होता है। जब कोई चीज पूरी हो जाती है ना तो वो शांत हो जाती है, जब अधूरा है ना तो यार कैसे होगा, कब होगा, ये वो एक्साइटमेंट है, बेचैनी है उसमें, जब अधूरा है, वो इनकम्प्लीट है, आप मिले नहीं हो तब तक आपको लगता है यार कब मिलूं यार कैसे होगा, यार कैसा लगेगा, मैं बात क्या करूंगा, यार क्या सीन बैठेगा, तो वो बेचैनी है। लेकिन जब आप मिल जाते हो तो सुकून है, ऐसा नहीं कि वो रश हो रहा है, नहीं, सुकून है। तो ये वो वाला स्टेज पे एक थीम, एक थॉट चल रहा था यार ऐसा कुछ है, ये वो प्रेम है ना, भक्ति वाला प्रेम है, भक्ति रस का प्रेम है ये, है ना, ये जोश या क्या बोल सकते हैं, बहुत जुनून वाला नहीं है, जुनून या जोश नहीं है, ये शांति है, ये सुकून है। तो वो थॉट मेरे ध्यान में चल रहा था, अब वो थॉट चल रहा है तो चलते चलते राग भी ऐसी ही चल रही थी दिमाग में कि जो शांति है, सारे गा पधा
पगरे सारे धसा, है ना, भोपाली देशकार, ऐसा चलन मेरे जहन में घूम रहा था। तो ये चलते चलते खुद ब खुद ये धुन आ पड़ी के तू सुकून है। ये शब्द मेरे सबसे पहले ये विचार आया था कि तू सुकून है, ये फ्रेज बन पड़ा था। उसके बाद ये फ्रेज अपने आप धुन में तब्दील हो गया। फिर जो भी शब्द मेरे जहन से निकला वो धुन में ही निकला। तो ये तीसरा तरीका होता है, ये वो तरीका होता है जिसमें लिखने वाला और गाने वाला और बनाने वाला एक ही आदमी है, खुद ही है, वो वन मैन आर्मी है, है ना। बाकी दोनों में क्या है, आपको दो से तीन लोग लग रहे हैं, पहले शब्द मिल रहे हैं, फिर आप उसका मूड पकड़ रहे हो, फिर उस पर कुछ धुन बना रहे हो, या किसी ने धुन बना दी उस पर आप कुछ शब्द लिख रहे हो, या खुद ने ही धुन बना दी फिर कुछ शब्द लिख रहे हो। लेकिन ये वो है जो एट अ टाइम पैदा होता है, है ना। ऐसे मेरे साथ दो तीन ही वाक्य हुए हैं जब वो थॉट दिमाग में चल रहा था और खुद ब खुद धुन और शब्द साथ में पैदा हुए, है ना। बहुत ये बहुत लकी मूवमेंट होता है, ऐसा मोमेंट होता है, बहुत लकी है ये। आपको लगता है यार कैसे हो रहा है, ये चमत्कार लगता है आपको कि यार ये कैसे हो रहा है कि वो फिक्स्ड बांट में ही शब्द निकल रहे हैं और धुन निकल रही है, रिदम भी चल रही है, है ना। तो ये बड़ी नसीब की बात होती है जब ऐसा कुछ ईश्वर की आप पर कृपा हो जाए कि ऐसी धुन और शब्द साथ में निकल पड़े। इसे कॉम्पोजिशन, असल उपज अंग इसे ही कहते हैं, है ना। वो तो क्रिएटिविटी बनाना हुआ कि धुन बनाई है आपने जानबूझ के, शब्द लिखे हैं जानबूझ के, ये असल क्रिएटिविटी है कि आपने कुछ नहीं किया है, ये हो गया है, खुद ब खुद हुआ, ये खुद ब खुद जन्म लिया है, ये वो फूल है जो आपने पौधा नहीं लगाया, जो ईश्वर ने लगाया है, है ना। ये उस प्रकार की क्रिएटिविटी आती है जब शब्द, धुन, लय, ताल, थीम, है ना, या उसकी जो फिलॉसफी, वो सब एक साथ, ये खुद ब खुद। अब मेरे इस गाने में मुझे कुछ बदलना नहीं पड़ा, ना शब्द बदलने पड़े, ना धुन बदलनी पड़ी, ना मूड सेट करना पड़ा, ना लय डिसाइड करनी पड़ी, ना ताल डिसाइड करनी पड़ी। बस एक विचार था कि तू सुकून है, तो उस पर जो भी मैं मंथन करता गया कि क्या क्या होता होगा जब सुकून होता है, तो जब ईश्वर से मिलन हो जाए तब कैसा होगा, है ना। जब आपके प्रेमी से, प्रेमिका से आपका मिलन हो जाए, मिलने से पहले नहीं, मिल जाओ तब कैसा लगेगा, मुकम्मल, परफेक्ट, कंप्लीट हो जाओ तब क्या। ये फिलॉसफी चल रही थी जहन में, है ना। ऐसे ही गाने बनते हैं, थॉट होता है कुछ आपके पास, है ना। थॉट है कोको कोला तू, तो अब तू कैसी प्रकार की कोको कोला हो सकती है, उस पर मैं कुछ भी लिख दूंगा, हजार बार कोको कोला लिख दूंगा। या थॉट है कि मुझे नचवाना है अपनी रानी को, तो नाच मेरी रानी, है ना। तो वो चीज़ है, वो भी गाना ऐसे ही बने कि एक थॉट है जहन में, है कि नहीं। अब जैसे शिवाय जो बादशाह ने लिखा, तो उसमें शिवाय, बस ये थॉट था जहन में कि शिव पर लिखना है कुछ और रैप अंदाज में होना चाहिए, तो बस शिव के ऊपर बोलते गए तो वो रैप बन गया पूरा का पूरा, है ना। तो एक थॉट होता है, उस थॉट से ही जन्म लेने वाली कला होती है। तो इस तरह से एक गाना जो है बन जाता है, इस पर बहुत चर्चा हो सकती है।